बाथटब। एक बार दो लोग नाव में समुद्र में जा रहे थे। उनमें से एक अपने कैमरा से वीडियो निकालते हुए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्मत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आपके लिए आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा दोस्त पवन है, ये आज मेरे साथ इस वीडियो में दिखेगा। रे पवन, हमारे सब्सक्राइबर्स को हाय कहो। तब पवन ने हाय कहा। आज मैं आप सबको हमारे गांव के पास वाला एक द्वीप दिखा रहा हूँ। उसमें कई सारे खतरनाक जानवर हैं, ऐसे कई लोग कहते हैं। देखते हैं कि हमें किसका सामना करना पड़े। उस द्वीप पर आदि मानव भी रहते हैं, ऐसे कई लोगों ने मुझे कहा है। माना जाता है कि वो बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन मैं सबकी तरह डरने वाला नहीं हूँ। हेमंत कौन है ये सबको पता होना चाहिए ना। अगर कोई सामने आ गया तो उन्हें मोबाइल फोन थमा कर उन्हें मेरे सब्सक्राइबर्स ना बना दूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बनने के बाद अपलोड कर दूंगा। कहते हुए कैमरा को ऑफ किया। ए, क्या तुम्हें अकल है या नहीं? बस यूं समंदर में जाकर आते हैं कहकर द्वीप तक ले जा रहे हो। मैं नहीं आ रहा हूँ, चलो चलते हैं। वहाँ गए तो जिंदा बच के लौटेंगे ये पता नहीं, चलो चलते हैं। कूल डाउन। जीवन में हर चीज के लिए ऐसे डरेंगे तो क्या थ्रिल होगा। कोई भी परिस्थिति में चीजें संभालना मुझे आता है रे। मैं किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता हूँ। तुम जैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ रे। मैं देख लूंगा, मेरी बात मानो रे प्लीज। इस तरह उनकी नाव उस द्वीप की तरफ जाने लगी। फिर वो नाव में वीडियो निकालते हुए, फ्रेंड्स यही वो द्वीप है, बहुत सुंदर है ना। अंदर भी जाएंगे, क्या पता और क्या क्या देखने मिलेगा। जब वो यूं जा रहे थे तो अचानक कुछ आदि मानव वहां आए। वे उन्हें देखकर खुशी से नाचने लगे। जुम्बाई, चल बाहर चलते हैं रे, बाहर। वीडियो निकालते हुए हेमंत, रे वे कितनी खुशी से नाच रहे हैं, तो जानते हो उसका मतलब क्या है? कि वे हमारा स्वागत कर रहे हैं, समझे रे। फिर एक आदि मानव, जुम्बाई, शिम्बा। हाँ, शिम्बा। फिर वे उन्हें लकड़ी पर बांधकर ले जा रहे थे। वे अभी कहा था ना कि भाग जाते हैं, अब देखो जानवरों की तरह बांध कर ले जा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं मतलब हमें ये लोग मारने वाले ही हैं। वीडियो निकालते हुए हेमंत, छी, तुम तो हर बात पर शक करते हो रे। हमें ये लोग अतिथि समझ रहे हैं, कहाँ हमारे पर दर्द होंगे सोचकर बेचारे हमें ऐसे ले जा रहे हैं। इनके पास गाड़ियाँ नहीं है ना, समझो रे। फिर दोनों को उनके नायक के पास ले गए। नायक और बाकी के लोग उन्हें देखकर खुशी से नाचने लगे, तो हेमंत भी वीडियो निकालते हुए डांस करने लगा। तब नायक हेमंत से, गुम्बा गिली गिली गुम्बा, गुम्बलक गुम्बलक, लंबा जंबा। हाँ, लंबा जंबा, मेरे ठीक है बस। फिर सब खुशी से तालियां मारने लगे। फिर वे उन दोनों को एक पानी से भरे बर्तन में बिठाए, उसके नीचे आग भी लगाए। रे जीते जी, ये हमें पका कर बिरयानी बना कर खाने के मूड में है रे। वीडियो निकालता हुआ हेमंत, रे फूल इस तरीके से बात मत करो, तुम्हारे सारे बेकार के शक हैं। अतिथि को गर्म पानी से स्नान करा रहे हैं, फिर खाने पीने का सबका इंतजाम करेंगे। चाहो तो देखते रहो, तुम शांति से रहो। फिर आग तेज होकर पानी बहुत गर्म हो गया तो दोनों जोर से, हे भगवान, चिल्लाने लगे। वो देखकर वे लोग, अजुम्बाजे, यूं खुशी से गाते हुए नाचने लगे। हाय राम, जल रहा है रे, पूरा बदन जल रहा है, भगवान, हे भगवान, बचाइए, चिल्लाने लगा। रे स्टूपिड फेलो, यहाँ तुम्हारी भाषा कौन समझेगा रे, ऐसे हमारी भाषा में चिल्ला रहे हो। इडियट, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। फोन पर ये आदि मानव जो भगवान को पूछते हैं उसके बारे में कुछ मिले तो वो लगाओ, उस मंत्र को जोर से प्ले करो। तुरंत हेमंत फोन में ढूंढकर, हाँ, है रे, ये है, ये देखो अब प्ले कर रहा हूँ। जब वो मंत्र प्ले होने लगा तो वे आदि मानव अपने घुटनों पर बैठकर अपना मुंह ऊपर नीचे करके प्रार्थना करने लगे।
यही ठीक मौका है सोचकर वे दोनों वहां से भाग निकले। फिर पवन हेमंत को खूब पीटा।